एडमिशन प्रोसीजर फॉर मणिपाल मेडिकल कॉलेज मलेशिया कैंपस। मणिपाल मेडिकल कॉलेज मलेशिया कैंपस को लेकर काफी स्टूडेंट्स पेरेंट्स का कॉल्स आता है, सर मेरे को मणिपाल कैंपस में एडमिशन लेना है, क्या एडमिशन प्रोसीजर होगा, कैसे अप्लाई करना है, कैसे वीजा मिलेगा, एवरीथिंग आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे। यस, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में कैसे अप्लाई करना है, कौन एडमिशन प्रोसीजर, सब कुछ इस वीडियो का लास्ट तक देखेंगे। पूरा ए टू जेड एडमिशन प्रोसेस फॉर एमबीबीएस इन मणिपाल मेडिकल कॉलेज मलेशिया कैंपस के बारे में आपको डिटेल्स में पता चलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुना मीडिया, आई एम लंबोदर, क्या यू एडवाइज एंड स्टडी ऑफ योर एक्सपर्ट। टॉक अबाउट एडमिशन प्रोसीजर फॉर मणिपाल मेडिकल कॉलेज मलेशिया कैंपस। As you know, Manipal one of the respected university in India for medical education. In fact, number one medical campus in 1953, the number one private medical college since 1953. So that's why जो students का Manipal campus जो India में admission नहीं हो पा रहा है, उदास मत होइए, आपके लिए breaking news ये है, Manipal university जो college, Manipal medical college जो Malaysia campus है, इस बार से Indian students के लिए open हो चुका है। तो आपको इस बार से अगर मलेशिया में एडमिशन लेना चाहते हैं मणिपाल मेडिकल कॉलेज में, आपको इस बार एडमिशन हो जाएगा। यस, जो एडमिशन प्रोसीजर है, मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको अपोस्ट 12th में 70% चाहिए। अगर 70 है देन यू आर एलिजिबल। एज यू नो, मणिपाल कभी भी आपका क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करता है, तो ऑलवेज देयर मेंटेन स्टैंडर्ड। इसीलिए अगर जो स्टूडेंट्स का, काफी स्टूडेंट्स का भी समय पास 50 है, 65 है, 60 है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट स्टेप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपके पास 70% है देन एडमिशन का हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना, हम आपका हेल्प करेंगे। सेकंड, अगर डॉक्यूमेंट आने के बाद फिर हम कॉलेज को आपका डॉक्यूमेंट एवरीथिंग हम भेजेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मणिपाल मेडिकल कॉलेज माइट टेक योर इंटरव्यू और रिटन टेस्ट। अगर उनको, अगर वो आप क्लियर करेंगे देन यू माइट गेट ए चांस टू गेट एडमिशन लेटर फ्रॉम मणिपाल मेडिकल कॉलेज मलेशिया। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए मैं आपको बता दूं, 10-12 मार्कशीट सर्टिफिकेट, नीट एडमिट कार्ड, नीट स्कोर कार्ड। अगर 2021 में नीट दे रहे हैं तो ठीक, नीट एडमिट कार्ड, नीट एडमिट कार्ड दे दो, स्कोर कार्ड बाद में एक महीने बाद दे देना। एंड पासपोर्ट एंड ऑफकोर्स डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, DOB सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। तो दिस इज द बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर मणिपाल मेडिकल कॉलेज एडमिशन। फीस स्ट्रक्चर आ जाए, मैं लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ 65 लाख है कंप्लीट 5 साल का जो प्रोग्राम्स का है। अब उसके लिए भी अगर आप इंस्टॉलमेंट हर 6-6 महीने में भी आप दे सकते हैं ट्यूशन फी। तो डियर स्टूडेंट्स, जब एडमिशन लेटर आ जाता है आफ्टर सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी नीड योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 10-12 एज वेल एज पासपोर्ट, वीजा के लिए एंड डॉक्यूमेंट अपोस्टल के लिए रिक्वायरमेंट। देन वंस आपका वीजा मिलने के बाद, यू नो लाइक एडमिशन लेटर, वीजा इन्विटेशन लेटर, वीजा एवरीथिंग आपको मिलने के बाद, फिर फाइनली यू कैन फ्लाई टू मलेशिया फ्रॉम दिल्ली टू मलेशिया। दिस इज ऑल अबाउट एडमिशन प्रोसीजर, पर कैसे एडमिशन होगा, कैसे अप्लाई करना है, ये डू नाम ये हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे कौन सा डॉक्यूमेंट एडमिशन लेटर के लिए, कब फीस पे करना है, अगर रिटन टेस्ट होगा या नहीं होगा, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, एवरीथिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मणिपाल मेडिकल कॉलेज मलेशिया कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना, हम आपको ए टू जेड बताएंगे रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसीजर इन मणिपाल मेडिकल कॉलेज मलेशिया। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।